बड़ी खबर आ रही राजधानी भोपाल से। अरेरा हिल्स थाने का उद्घाटन गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उद्घाटन किया है। राजभवन, मंत्रालय, विधानसभा, मिंटो हॉल। अरेरा हिल्स थाने क्षेत्र में आएंगे अब से। लंबे समय से भोपाल शहर में वीआईपी थाना खोलने की मांग थी। भोपाल शहर में अब कुल 44 पुलिस थाने हुए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको अरेरा हिल्स थाने के उद्घाटन की। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस थाने का उद्घाटन किया है। लंबे समय से वीआईपी थाना खोलने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अरेरा हिल्स थाने का उद्घाटन किया है। अब से राजभवन, मंत्रालय, विधानसभा, मिंटो हॉल अरेरा हिल्स थाने के क्षेत्र में ही आएंगे। और भोपाल शहर में बहुत ही लंबे समय से वीआईपी थाना खोलने की मांग लगातार जारी थी, जिसके बाद आज उद्घाटन किया गया है भोपाल शहर में। इसी के साथ ही अब कुल 44 पुलिस थाने हुए। वो जब पूरी की पूरी पार्टियां बदल दी थी उनने, उस समय वो पावर में थे, चाहे वो हरियाणा हो या हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेश। अब ऐसा पाठ करेंगे तो क्या फायदा। तेरी लाल के हसीन सक में सीरियल आता था, पहले की बात है। पहले अगर वो अगली बार का 26 जनवरी का कहा है सर, 15 अगस्त, अगले 15 अगस्त का, इस 15 अगस्त की माफी तो मांग लें। देखो अब माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कभी भी झंडा नहीं फहरा। दिग्विजय सिंह जी की और ट्वीट देख के लग रहा है कि ये अब खत्म है मामला, आज घरों तक पहुंच रही है। दिग्विजय सिंह जी दरअसल विधायकों को पता नहीं क्या समझते, वैसे तो वो सामंती सोच के व्यक्ति है, कभी हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को हॉर्स बना देते हैं, अब भेड़ बकरी की तरह खरीदने का कह रहे हैं। क्या विधायक भेड़ बकरी हैं क्या? तुलना भी करना है तो ठीक तुलना की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है। पर मैं इसको अच्छा नहीं मानता कि कभी घोड़े से कभी भेड़ बकरी से विधायकों की तुलना की जाए या पब्लिक में किसी भी व्यक्ति की तुलना की जाए। जहाँ तक सवाल आपका दूसरा है कि मेरा बेटा या भाई भी लड़ेगा तो मैं खिलाफत करूंगा, स्पष्ट कर दे कि आज घर तक आ गई है क्या? उनको थोड़ा इसको और स्पष्ट कर दो, घर का उल्लेख क्यों करना पड़ रहा है? मैंने पहले भी कहा था कि अपने अपने घर को संभालो यारों, नहीं अगले बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी।